नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। भाजपा के 4 साल पूरे हो गए हैं और केंद्र सरकार ने पूरे भारत में अपनी जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का प्रयास किया है और कई योजनाओं का भी प्रारंभ किया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देशवासियों से जो वादा किया उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया है और कई योजना अभी भी चल रही है, योजना कार्य में लगी हुई है और आने वाला वक्त विकास, भारत विकास करेगा। आइए सुनते हैं कि संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने क्या कहा। साथ ही साथ जिस गरीब को अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, उस गरीब महिला के हाथ में गैस का कनेक्शन भी मुफ्त में मिलेगा। यही नहीं, मैं समझता हूं कि दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है गरीबों के लिए, गांव के गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, गांव की खुशहाली के लिए है, वो सड़क। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भारत की सरकार ने, जो पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार थी उसमें 8,000 करोड़ रुपये की खर्च होता था, रफ्तार उसके कम हो गए थे, करीब करीब वो ठप ही हो गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, और उन्होंने कहा कि हम 2019 तक 2001 के जनगणना के आधार पर जिन गांवों का चयन किया गया है सड़कों से जोड़ने के लिए, चूंकि उसकी पॉलिसी ये बनी थी 2001 में जब अटल जी की ही गवर्नमेंट थी, उसी समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सोच आया और पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर 500 और 1000 की आबादी वाली जो गांव था उसको सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया गया। और 2001 में एक कोर नेटवर्क बना था पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर और उसी कोर नेटवर्क के हिसाब से काम हो जाना चाहिए था, मगर मैं समझता हूँ कि काम नहीं हो रहा था, क्योंकि राशि की भी कम थी, रफ्तार भी उसका बनने का कम था। जब हमारी सरकार आती है तो राशि जहाँ 8,000 करोड़ रुपये था उसको बढ़ा करके हमने 19,000 करोड़ रुपया किया और जो रफ्तार था 13-14 में प्रतिदिन 69 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था। अब बढ़ा करके हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने जहां राशि आवंटित किया, काम में गति देने का काम किया, तो जो 69 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से काम होता था, सड़क का निर्माण होता था, अब वो बढ़ करके 134 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कों का निर्माण हो रहा है। अब मैं समझता हूँ कि अब तक जो सड़क का निर्माण हुआ है वो निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है, और मैं एक आंकड़ा बताऊँ आपको, इसमें ये भी प्रोविजन किया गया कि हमारी जो सरकार ने ये पॉलिसी बनाया, पर्यावरण की भारी समस्या है और सड़क के निर्माण से भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो एक नई तकनीकी के हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने का काम किया गया और कहा गया कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम करेंगे और कुल मिलाकर के 6,557 किलोमीटर सड़क का निर्माण नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना, और मैं समझता हूँ कि वो भी अपने आप में बड़ा काम था। जहाँ 6,557 किलोमीटर की लंबाई का सड़कों का निर्माण किया गया, वहीं 14-15 के दौरान 1,237 किलोमीटर लंबाई सड़कों का निर्माण किया गया था। ये बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक अच्छा काम हुआ है और आने वाले वक्त में 2019 तक हिंदुस्तान का कोई सड़क नहीं बचा रहेगा जो कि
2001 के को नेटवर्क के हिसाब से चयनित किया गया था। जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो टारगेट रखा था वो 2022 तक था, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस टारगेट को कम करके 2019 तक करने का काम किया गया। अब हम ये संतोष के साथ कह सकते हैं कि जो रफ्तार है, जो तेजी है, जो गति है, ये गति बढ़ेगा और बढ़ करके पूरे 2019 तक 2001 के को नेटवर्क में जो चयनित सड़क था, सड़कों को गाँव से जोड़ने का, बारामसी सड़कों को जोड़ने का पूरा हो जाएगा। 2019 तक कोई सड़क नहीं बचेगा, ये भी संकल्प के साथ काम किया गया, उसके परिणाम आ रहे हैं। दूसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गाँव की खुशहाली के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, मनरेगा जैसा कार्यक्रम तो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है।